जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का मैं जो उपाय लेकर के आपके लिए आया हूँ वो है शत्रु को भी मित्र बना लेना। देखिए, जीवन में सभी के शत्रु होते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे शत्रु होते हैं कि जो आपका जीना बेहाल कर देते हैं जीवन में। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं तो जीवन में आपके बार बार तकलीफ देते हैं आपको। कभी कभी तो ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं कि आपका जीवन नरक हो जाता है उन पड़ोसियों के कारण। कभी कभी आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उस ऑफिस में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपका ऑफिस में काम करना दुर्भर कर देते हैं। पर इन शत्रुओं को आप मित्र बना सकते हैं। पर आप चाहते हैं कि मैं इनसे शत्रुता ना करूं, इनको मित्र बना लूं। ऐसा ही प्रयोग आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि कैसा भी शत्रु क्यों ना हो, जो आपका अहित चाहता है, जो आपसे बैर रखता है, जो आपको सुखी नहीं देखना चाहता, आपके काम में बार बार व्यवधान उत्पन्न करता है, ऐसे शत्रु को भी आप मित्र बना सकते हैं। बहुत से लोगों के कॉल्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी आप कोई ऐसा प्रयोग बताइए, हम बड़े परेशान हैं इस शत्रु से, बहुत परेशान करता है हमें। हम कभी ऑफिस में जाते हैं तो बॉस हमें बड़ा परेशान करते हैं, ऑफिस में गुट्स बन गए हैं। ऑफिस में आप देखते होंगे गुट बन जाते हैं चार चार पांच पांच लोगों के, क्योंकि दुष्ट लोगों के गुट बहुत जल्दी बनते हैं और वो सज्जन लोगों को परेशान करते हैं। पर सज्जन लोग उन्हें परेशान करना नहीं चाहते। सज्जन व्यक्ति तो यही चाहता है कि इससे हमारी मित्रता हो जाए, ये भी हमारे जैसा अच्छा आचरण करने लगे, हम क्यों उससे दुष्टता करें। तो ऐसे ही दुष्ट जो लोग हैं वो आपके मित्र बन जाए, क्योंकि सज्जन लोग चाहते हैं कि हम भी आराम से रहें और वो भी आराम से रहें, जियो और जीने दो। तो ऐसे ही सज्जन लोग जो परेशान है ऐसे शत्रुओं से, उनके लिए मैं जो आज का प्रयोग लेकर के आया हूं, इस प्रयोग को करने के बाद जो आपके ऐसे शत्रु आपको जीवन में परेशान करते रहते हैं, इस शत्रु भी आपके मित्र बन जाएंगे और मित्रवत आपसे व्यवहार करने लगेंगे, सारी दुष्टता भूल जाएंगे, सारा बैर भूल जाएंगे और आपके मित्र बन जाएंगे। प्रयोग बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है वही पुण्य आपके द्वारा और सभी को प्राप्त हो। बहुत ही सिंपल और छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, अनुराधा नक्षत्र होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये जो प्रयोग करना है अनुराधा नक्षत्र में ही करना है। अनुराधा नक्षत्र में चमेली की जड़ को लेकर के आना है। इसका प्रयोग मैं आपको पूरा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले आप पता कर लीजिए अनुराधा नक्षत्र कब है, और ये पता कर लीजिए कि चमेली की जड़ हमारे घर के आसपास या कहीं भी शहर में कहां लगी हुई है। समझिए, जैसे कि कल अनुराधा नक्षत्र है, तो अनुराधा नक्षत्र के जिस दिन है उसके एक दिन पहले जहां पे भी चमेली का पेड़ है, चमेली की जड़ जहां कहीं भी लगी हुई हो, वहां पे जाइए आप, अक्षत लेके जाइए और अगरबत्ती लेके जाइए, धूप लेके जाइए एक दिन पहले, और जाकर के चमेली की जड़ को अक्षत चढ़ाइए, पीले अक्षत जो हल्दी से रंगे हुए हों अक्षत चढ़ाइए, धूप दिखाइए और प्रार्थना करिए उनसे। देखिए, कोई भी वृक्ष जब हम लेते हैं उसके पत्ते को तोड़ते हैं, फल को तोड़ते हैं, वृक्ष को तोड़ते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप चमेली की जड़ से प्रार्थना करिए कि मैं आपको कल लेने आऊंगा, आप मेरे साथ चलिएगा और मेरे कार्य को आप पूर्ण करिए। ऐसी आप प्रार्थना करिए उनसे। प्रार्थना करने के बाद आप चले आइए घर, फिर अगले दिन आप जाइए जिस दिन अनुराधा नक्षत्र हो उस दिन आप जाइए, जल लेकर के, पवित्र और शुद्ध जल लेकर के जाइए, पहले उस पेड़ में जल डालिए, जड़ में जल डालिए, उसके बाद प्रार्थना करिए कि आज मैं आपको अपने साथ लेकर के जाऊंगा और मेरा जो भी कार्य है उस कार्य की पूर्ति आपको अवश्य करनी है। ऐसी मन ही मन प्रार्थना करने के बाद आपको उस जड़ को लेकर के अपने घर में आ जाना है। जड़ जब आप घर में लेकर के आएंगे, उसकी मट्टी वगैरह लगी होगी, मट्टी वगैरह हटा दीजिए जड़ की, और छोटी सी जड़ लाइएगा, ज्यादा बड़ी नहीं, कितनी बड़ी आप जड़ ले आए खुद के नहीं, इतनी सी केवल आपको जड़ लानी है, इतनी सी बस जड़ ले आइए। उसको पहले पानी से धो लीजिए, पवित्र पानी हो, गंगा जल हो तो बहुत ही उत्तम रहेगा, उससे धो लीजिए। फिर गाय का कच्चा दूध हो, गाय के कच्चे दूध में कम से कम एक घंटे के लिए उस जड़ को डाल दीजिए, डली रहने दीजिए। जब एक घंटे तक जड़ जली रहे उसको फिर लीजिए, थोड़ा जल से, गंगा जल से उसे शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, चांदी में मढ़वा के उस जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है।
चांदी की ताबीज हो, चांदी का कुछ भी हो, आप सुनार के पास जाएंगे, उस जड़ को चांदी में मढ़ देगा, चांदी में ऐसा पैक करवा लीजिए जड़ को, उसको आपको अपने गले में धारण कर लेना है। आप जब गले में धारण कर लेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे शत्रुता रखते हैं, या फिर बहुत सी महिलाएं होती हैं उनसे भी बहुत से लोग शत्रुता रखते हैं, बहुत से लोग बैर करते हैं, तो महिला हो या पुरुष, इस प्रयोग सबके लिए, सभी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। जितने भी पड़ोसी हो, बॉस हो, व्यापार में हो, घर में हो, मकान द्वार कहीं भी, यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी आपका दुश्मन होगा, जो भी आपसे बैर करता होगा, जो भी आपको नहीं सुखी नहीं देखना चाहता, आपके काम में बार बार अड़ंगे लगाता है, वो आपका शत्रु धीरे धीरे आपका मित्र बनने लगेगा। मित्र यथार्थ आप समझिए कि जब तक वो शत्रुता आपसे रखता है तो उसके शत्रुता में बहुत कमी आ जाएगी, फिर वो आपसे मतलब देखेगा कि चलो ठीक है छोड़ो, ऐसा उसका मन हो जाएगा। पर धीरे धीरे इसका प्रयोग होगा। ये मत सोचिए कि आपने आज जड़ धारण की तो कल से प्रयोग आपका एक्टिवेट हो गया और आपने सोचा कल से ही सारे शत्रु हमारे मित्र बन जाएंगे, ऐसा नहीं। जो भी आप प्रयोग करते हैं, जो भी आप उपाय करते हैं, तंत्र का हो, मंत्र का हो, किसी भी प्रकार का जाप का हो, कोई भी, मैं टोटका बताता हूं, जो भी आप प्रक्रिया करते हैं, मेरे पास काफी कॉल आते हैं कि महाराज जी कब से मुझे फायदा मिलने लगेगा, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से इन उपायों को करिए, और कम से कम 45 डेज या 2 महीने लगता है कोई भी प्रयोग एक्टिवेट होने में, निश्चित है। कम से कम 45 दिन तो लगते ही हैं। आप एक कभी सोचकर मत करिए कि आपने आज किया और 10 सेकंड बाद उसका फायदा मिल जाएगा, आधे घंटे बाद उसका फायदा मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये प्रयोग करिए आपको 5 मिनट में फायदा हो जाएगा, ये सब भ्रामक बातें हैं। मैं आपको यथार्थ बताना चाहता हूं, सत्य बताना चाहता हूं, आप पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से इन प्रयोगों को करिए और 45 दिन का वेट करिए कम से कम। कोई भी प्रयोग एक्टिवेट होने में, मंत्र सारी चीजें जो एक्टिवेट होती है उनमें कम से कम 45 डेज से लेकर के 60 दिन का वक्त, 2 महीने का वक्त लगता है। और यदि आप पूर्ण तरीके से, पूर्ण श्रद्धा से करते रहेंगे तो 45 दिन बाद आपका प्रयोग एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा अवश्य मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। कोरोना वायरस चल रहा है, इससे आप बच करके रहिए, आप सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। और एक चीज मैं और आपसे निवेदन करता हूं कि सुबह शाम काढ़ा अवश्य पीजिए, क्योंकि आप काढ़े से इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहेगा, क्योंकि आप सभी लोग मेरी फैमिली की तरह हैं और मुझे आप सभी लोगों की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, इसलिए मैं भी काढ़ा पीता हूं सुबह और शाम। काली मिर्च, तुलसी और गिलोय, इसका काढ़ा अवश्य पीजिए, मास्क का प्रयोग करिए, हाथ को बार बार सैनिटाइज करिए और आवश्यक ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए, और आप स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।